कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। किसी ने पूछा नन्ही चिड़िया से, कैसे बना इतना सुंदर घोंसला? बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों, 2 अक्टूबर 2018 ये वो दिन था जिसमें शुरुआत हुई खुली आंखों से देखे हुए एक ख्वाब को सच करने की। एक छोटे से कमरे जहां पर एक युवा के अंदर एक ख्वाब जागा, किसका? युवा क्रांति का। एक ख्वाब जागा एक शिक्षा जगत की क्रांति का, एक ख्वाब था कलम से क्रांति का। हमारा आप तक पहुंचने का जो सफर है वो इतना आसान नहीं होता जितना लाइव क्लासेस में दिखाई देता है। एक लाइव क्लास एक बेस्ट कंटेंट टीम के अथक प्रयासों के बाद, एक बेस्ट टाइपिंग टीम के शानदार टाइपिंग प्रदर्शन के बाद, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से एडिट होने के बाद आप तक इतनी खूबसूरती से पहुंचाई जाती है, ये अपने आप में एक बहुत ही लंबा सफर होता है। तो आज मैं चाहूंगी आप इस सफर के साक्षी बने। तो जुड़ते हैं। रात काली है मगर यह और गहरी हो न जाए, फिर तुम्हारी चेतनाएं शून्य होकर खो न जाए। इसलिए मैं फिर खड़ा हूँ, स्याह रातों से लड़ा हूँ। मैं तिमिर में ही कहीं सूरज निकलता खोज लूंगा, मैं घने अवसाद में अपनी सफलता खोज लूंगा, अपनी सफलता खोज लूंगा। दोस्तों, एग्जामपुर के 3 साल पूरे हो चुके हैं और एग्जामपुर आपको सिखाता है खूब मेहनत करना। विद्यार्थी के साथ साथ टीचर्स भी पुरजोर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि एग्जामपुर आपको एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना सिखाता है, हर संभव मुश्किलों में आपको आगे बढ़ना सिखाता है। यही एग्जामपुर सिखाता है और एग्जामपुर का मतलब ही है कलम से क्रांति। तो जाहिर है आप दिन रात एक मेहनत करिए, हम सब दिन रात एक मेहनत करेंगे और आगे भी इसी प्रकार से प्रयास करते रहेंगे और एग्जामपुर और बढ़ेगा और फूलेगा और आपके साथ साथ हम जैसे सभी टीचर्स को भी एग्जामपुर एक इंडिविजुअल पहचान देती है। तो ये एग्जामपुर है, एग्जामपुर कलम से क्रांति। जय हिंद दोस्तों। तो आज 2 अक्टूबर और आज ही के दिन 2018 वर्ष में एग्जामपुर की नींव रखी गई और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई गई। यह क्रांति शिक्षा को बहुत ही दूर दूर तक, कोने कोने तक, घर घर तक पहुँचाई गई और हमारे जितने भी हर एक तबके के बच्चे जो है इसका लाभ लिए और कहीं ना कहीं आज एक अच्छे समाज बनाने में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो आप सभी बच्चों का एग्जामपुर के तीसरी वर्षगांठ के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस प्यार को इसी प्रकार से बरकरार रखिएगा और आप भी अपने मंजिल तक पहुंचते रहिए और वहां तक पहुंचाने के लिए हम पूरा अपना सर्वोच्च निछावर करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज है 2 अक्टूबर और आज हमारे एग्जामपुर की एनिवर्सरी है,
आज लगभग 3 साल हो गए हैं हमारे एग्जामपुर को, और हमने जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2 स्टूडियो से शुरू करके और आज यहाँ तक आपने आपके सपोर्ट से आपके प्यार से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी फैमिली आज बहुत बड़ी हो गई है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो 1.5 मिलियन थे अपना परिवार और हमारा 30 से 40 का स्टाफ था, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव जैसे कि आप देख ही रहे आए, लेकिन हमेशा मतलब आपने हमारा सपोर्ट किया, प्यार दिया, और इस तरह से हम लोग इधर मतलब इतना आगे बढ़ पाए, ये सिर्फ आपका प्यार ही है। एग्जामपुर की स्थापना को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 3 वर्षों में हमने कई मुकाम हासिल किए, अभी मुकाम और भी हैं, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। आज हमारे एग्जामपुर परिवार के 3 साल पूरे हुए हैं और ये जो प्यार आपने बनाए रखा आगे भी यूं ही बनाए रखे, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसा कि आप सभी को बताया बच्चा कि आज 2 अक्टूबर है और आज हम आप सभी को बताएं कि आज आपके एग्जामपुर परिवार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये इतना बड़ा परिवार बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हमारी एग्जामपुर परिवार 3री वर्षगांठ मना रही है और ये बस 3 सालों के सफर में जो आपने प्यार दिया, मतलब इतना जल्दी परिवार को 60 लाख से भी ज़्यादा पहुंचाया, आप यूँ ही अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर जो ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी दिवस के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन एग्जाम पूर्वी बीज का जो गमले में बीजारोपण किया गया था वह आज 3 वर्षों में एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी शाखाएं आज देश के कोने कोने में हर दरवाजे तक ऑनलाइन शिक्षा की गुणात्मक पहुंच को सुनिश्चित कर रही हैं। परिवार पे स्वागत है। आज हमारे एग्जामपुर को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये 3 वर्ष कैसे गए, कितने अच्छे तरीके से गए, यही हम सब आज सब बताने के आपके लिए बैठे हैं। ये एक कंपनी नहीं है, ये एक संस्थान नहीं है, ये एक परिवार है। एग्जामपुर परिवार को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सभी को और एग्जामपुर परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ।